बीसीए का छात्रों का इस लेक्चर में स्वागत है। और आज हम बात करेंगे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज के, यानी विद्यार्थी प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं लेकिन कभी कभी तो ऐसा हमको लगता है कि उनको यही नहीं समझ में आता है कि हम पढ़ क्यों रहे हैं, जिसके कारण उनके दिमाग में बहुत सा कंफ्यूजन रहता है। और जब शुरू यानी स्टार्टिंग में प्रोग्रामिंग बनाना शुरू करते हैं तो उनको यही नहीं समझ में आता है कहां पर क्या लिखना है। ज्यादातर विद्यार्थी बोर्ड पर से कॉपी कर लेते हैं या किसी का बनाया हुआ प्रोग्राम को कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करके वो रन करा लेना ही समझते हैं कि हम प्रोग्राम लिख रहे हैं। तो अगर आप ऐसा आपको भी लग रहा है तो आपके लिए लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। देखिए, आप बीसीए कर रहे हैं या कंप्यूटर साइंस के किसी भी स्ट्रीम से हैं और अगर प्रोग्रामिंग नहीं आता है या लिखने नहीं आता है, रट के कहां तक जाइएगा। जिस तरह से किसी भी गाड़ी को अगर बंद है तो धक्का देकर हम स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर उसे जीतना है, अगर किसी भी वह पार्टिसिपेट करता है कहीं पे, तो जब तक उसका इंजन काम करना शुरू नहीं करेगा और काम भी अच्छी तरह से करना नहीं करेगा तब वो कभी भी बीन नहीं होगा। उसी तरह विद्यार्थी हैं, जब तक आप अच्छी तरह से समझिएगा नहीं, खुद से लिखना प्रारंभ नहीं कीजिएगा, और क्यों लिखते हैं, लिखने से क्या बेनिफिट होगा, कैसे लिखेंगे, कहाँ से स्टार्ट करें, ये सारे क्वेश्चन जब आपके मन का आपका दिमाग आंसर देने लगे तो समझिए आप प्रोग्रामिंग लिखना और समझना दोनों शुरू हो गया है, यानी आप समझ भी रहे हैं और लिख भी रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, इसका मतलब है कि आप रट रहे हैं, आप एग्जामिनेशन पास जरूर कर जाइएगा लेकिन लाइफ में सक्सेस नहीं होइएगा। तो एक छोटा सा पॉइंट पर आज हम लोग लेकर आए हैं, तो बात करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम्स। हम आपके किताबी भाषा की बात नहीं करेंगे, आज जो भी हम बात करेंगे वो प्रैक्टिकल लाइफ पे बात करेंगे। तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग बताने के पहले आपको एक हम एग्जांपल समझाना चाहेंगे। जितने भी विद्यार्थी इस लेक्चर को सुन रहे हैं, आप सभी लोग कभी ना कभी लेटर लिखे होंगे, चाहे वह प्रिंसिपल को लिखे होंगे, हेडमास्टर को लिखे होंगे, आप लेटर लिखे ही होंगे। क्योंकि आप ग्रेजुएशन में आए हैं तो आपके लाइफ में बहुत समय बहुत बार ऐसा सिचुएशन आया होगा जब आपको लेटर लिखने की आवश्यकता हुई होगी। तो आप क्या करते हैं लेटर में, सबसे पहले टू लिखते हैं, किनको लिखना है वो लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद जो उसका फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट समझ रहे हैं, तो एप्लीकेशन लिखने का एक फॉर्मेट है जो आप जानते हैं, कहाँ पर रेस्पेक्टेड सर लिखना है, कहाँ पे थैंक यू लिखना है, कहाँ पे डेट देना है, कहाँ पे सब्जेक्ट लिखना है, आप ये कैसे लिख पाते हैं। इसके लिए आपको कभी भी प्रैक्टिस करने की आवश्यकता नहीं होती, आप खुद ब खुद समझते हैं कि टू से स्टार्ट करेंगे, सब्जेक्ट कहाँ पे लिखेंगे, आई बे टू से दैट स्टार्ट करेंगे, कैसे लिखेंगे, तो उसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होता है क्योंकि आप समझ चुके हैं, आपको समझ में आ गया है कि ये फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट पे ही हमको लिखना पड़ता है। तो उसी तरह से प्रोग्रामिंग का एक अपना फॉर्मेट है, अगर आप सी पढ़ रहे हैं तो उसका अपना फॉर्मेट है, और अपना फॉर्मेट आप एक भी प्रोग्राम अगर आप रन करवाए होंगे तो आप देखे होंगे कि उसमें आप कुछ भी एक्स्ट्रा लिख दीजिए आपको एरर दे दीजिए, एरर आता है या नहीं आता है, 100% आता है। तो अगर हम कुछ ऐसा उसमें लिखना चाहें जो कंप्यूटर नहीं समझे, सिर्फ हम समझे, जैसे आप जब क्लास का नोट्स जब टीचर पढ़ा रहे होंगे तो आप देखे होंगे कि साइड में इस तरह से लिखते हैं, कहीं पर कुछ समझने का जब आ जाता है तो आप इस तरह से साइड करके कुछ लिखते हैं और वह सिर्फ आपके लिए होता है। हो सकता है कोई शॉर्ट टर्म है उसका, आपको उसका फुल फॉर्म लिखे होंगे, कोई कैलकुलेशन लिखे होंगे, कोई फॉर्मूला लेकिन लिखे होंगे जरूर, उसी को हम लोग बोलते हैं डॉक्यूमेंटेशन। जो आप लोग का फर्स्ट पार्ट यहाँ पर है, देखिए डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन,
तो डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन जो होता है आप लोग का यहाँ पे टॉप में रखा गया है। टॉप में इसलिए रखा गया है कि एडिटर में आप किसका प्रोग्राम लिख रहे हैं, किस काम के लिए प्रोग्राम लिख रहे हैं। अगर आप ऐसे लिखेंगे तो आपका उसमें एरर आएगा। तो उसके लिए एक सिंटैक्स बनाया गया कि अगर आपको कुछ भी अपने समझने के लिए लिखना है तो उसी को हम लोग बोलते हैं डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। यह टॉप में होता है या प्रोग्राम के किसी भी पार्ट्स में आप इसको यूज कर सकते हैं, यानी वैसा इंफॉर्मेशन जिसको कंपाइलर को या फिर कंप्यूटर को कोई भी मतलब नहीं, वह आप समझने के लिए लिख रहे हैं। जैसे मान लेते हैं कि हम लोग सिंपल इंटरेस्ट लिखे एसआई यूज किए, तो बगल में डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन लिख सकते हैं कि एसआई जो माने थे वो सिंपल इंटरेस्ट के लिए माने थे। तो जैसे आप कोई भी क्वेश्चन बनाते हैं तो ऊपर क्वेश्चन लिखते हैं ना, तो टॉप में जो क्वेश्चन लिखते हैं उसी तरह से यहाँ पर जब कोई भी प्रोग्राम आप लिखना शुरू कीजिएगा तो किसका प्रोग्राम है आप डायरेक्टली नहीं लिख सकते, इसीलिए उसमें फैसिलिटी क्या दिया है डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। यानी उसके सिंटैक्स को अगर आप यूज करते हैं तो वो आप देखिएगा कि वो जो पार्ट्स होगा वो हाइड हो जाएगा, और उस मेथड से अगर आप लिखते हैं तो आपका कोई भी एरर नहीं आएगा। तो डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी चीज, कोई भी वेरिएबल्स या कहीं भी आप जो अपने लिए लिखेंगे वो क्या कहलाएगा, डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन कहलाता है। और यहाँ पर टॉप में इसलिए रखा गया है क्योंकि आप बिगिनर हैं, तो सबसे पहले आप लिखिए, जैसे लिखते हैं ना राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड अ फैक्टोरियल, तो अगर आपको इसको टॉप में लिखना है, अपने एडिटर में लिखना है, तो आप डायरेक्ट लिखिएगा तो आपको एरर आएगा, तो वो क्या करते हैं डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में हम लोग यूज करते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, क्वेश्चन पूरा लिख सकते हैं, उसके बाद उसका प्रोग्राम बनाते हैं। तो जो पहला जो क्वेश्चन लिखेंगे वो डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में आएगा और वह सर्टेन सिंटैक्स के साथ लिखा जाता है। अब दूसरा आता है लिंक सेक्शन। अब लिंक सेक्शन जैसे प्रिंटफ स्कैनफ यूज करते हैं, आप stdio.h मत लगाइए और उसके बाद प्रिंटफ और स्कैनफ लगाइए तो आप देखिएगा एरर आता है। अब चलिए आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की भाषा में कोई छोड़ देते हैं, आपको अपने भाषा में समझा रहे हैं जो आप आसानी से समझ सकते हैं। तो मान लेते हैं कि आप किन्हीं के घर गए हैं, हो सकता है आपके कोई फैमिली मेंबर के पास गए और उनका कहीं शादी से शादी का कार्ड आया हुआ है या किसी पार्टी का कार्ड आया हुआ है, आप उनके साथ चले जाइए। तो अगर आप उनके साथ हैं तब तो आपसे कोई भी नहीं पूछेगा, आप समझ जाएगा आप उनके साथ हैं। लेकिन अगर वो उनसे आप मिसप्लेस हुए, वो अलग चले गए और आप अलग अलग चले गए, तो उस पार्टी में जो नहीं पहचानेगा आपसे जरूर पूछेगा आप किनके साथ हैं। अगर आप बता दिए कि हम उनके साथ हैं तब तो ठीक है, और अगर नहीं बताए तो पार्टी से बाहर। तो उसी तरह से यहाँ पर होता है, जैसे प्रिंटअप हो गया, स्कैनअप हो गया, पावर हो गया, रूट हो गया, यानी एक्सेट्रा, डिफरेंट फंक्शन आर डिफाइंड इन द डिफरेंट। जैसे stdio.h की बात करते हैं तो प्रिंटअप स्कैनअप है, अगर गेट सीएच और सीएलआरएस यूज कर रहे हैं और उसका लिंक सेक्शन यानी कोनियल डॉटेज नहीं ऐड करते हैं तो देखिएगा आपका प्रोग्राम एरर आ जाता है। तो जिस तरह से अगर हम लोग कहीं भी जाते हैं, किसी के थ्रू एक्सेस होते हैं, तो उसका वहां पर होना नेसेसरी होता है। जैसे बोले ना पार्टी में आप गए जिनके साथ, अगर उनके साथ है तब से आप कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन अगर वो कहीं चले गए तो उससे वहां पर आकर कोई भी आपसे पूछ सकता है आप किधर से आए हुए हैं, कहां से आए हैं, कौन है। जैसे आप बता दीजिएगा कि हम उनके से लिंक हैं तो कोई बात नहीं, सब ठीक है। तो उसी तरह यहां पर होता है, जब प्रोग्राम लिखिएगा और यहां पर जो आप लोग का लिंक सेक्शन है, सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन के बाद होता है लिंक सेक्शन। यानी लिंक सेक्शन जैसे इंक्लूड stdio.h, इंक्लूड corio.h, इंक्लूड map.h, तो अगर ये सब आप लोग लाइब्रेरी फंक्शन ऐड करते हैं लिंक सेक्शन में। और दूसरा क्वेश्चन होता है कितना होगा, तो जितना आप लोग मैक्सिमम यूज कर सकते हैं, आप जाकर हेल्प में देखिएगा डॉटेज सर्च कीजिएगा तो बहुत सारे डॉटेज यानी लाइब्रेरी फंक्शन है, और लाइब्रेरी फंक्शन में बहुत सारा उसका अपना अपना फंक्शन डिफाइंड है। तो जैसे मैथ का कोई भी फंक्शन यूज करना चाहते हैं तो मैथ लगाएंगे, अगर ग्राफिक्स का कोई भी चीज यूज करना चाहते हैं ग्राफिक्स डॉटेज लगाएंगे। जनरली हमारा क्या होता है stdio.h जो बेसिक होता है एक तो कम से कम होगा ही होगा, अब उसके बाद जैसा जैसा आपका रिक्वायरमेंट होता है उस तरह से हम लोग उतना डॉटेज यूज करते हैं। तो ये हो गया हमारा लिंक सेक्शन। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर कोई भी फंक्शन प्रोग्राम में यूज करते हैं अगर उसका डॉटेज नहीं लगाएंगे तो एरर आएगा।
अब उसके बाद होता है डेफिनेशन सेक्शन। तो डेफिनेशन एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि किसी भी वेरिएबल का कोई भी वैल्यू आप फिक्स कर सकते हैं, जैसे मैक्स 10। तो ये ज्यादा आप लोग का यूज नहीं होता है, लेकिन हाँ अगर आप एरे पढ़ रहे हैं तो वहां पर साइज ऑफ एरे डिफाइन करने के लिए हम लोग इसका यूज कर सकते हैं डेफिनेशन सेक्शन का। और डेफिनेशन सेक्शन हम लोग कैसे इसका यूज करेंगे, इसका अपना सिंटैक्स होता है, तो इस वीडियो में हम ये बात नहीं करेंगे। ये बात करेंगे कि किसी भी कांस्टेंट का, जैसे पाई का वैल्यू हम लोग यूज करना चाहते हैं, तो यहाँ पर डिफाइन कर देंगे पाई इक्वल टू 3.14 समथिंग। तो यहाँ पर इसका यूज जो होता है बहुत ज्यादा आपका नहीं होता है, लेकिन इसका यूज बहुत ज्यादा होता है, ये बिना इसके कोई भी प्रोग्राम रन नहीं करेगा, तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो डेफिनेशन सेक्शन है, जैसे होता है किसी किसी वेरिएबल का वैल्यू फिक्स होता है तो आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। अब उसके बाद आता है ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन। तो ग्लोबल डिक्लेरेशन का मतलब क्या होता है, चलिए इसको भी हम आप नॉर्मल जो जनरल लाइफ का जो एग्जांपल है उसी से हम समझाते हैं। आप कॉलेज के विद्यार्थी हैं, आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं बीसीए डिपार्टमेंट ही नहीं है, आप वहां पर देखिएगा हिस्ट्री डिपार्टमेंट भी होगा, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट भी होगा, फिजिक्स डिपार्टमेंट भी होगा, केमिस्ट्री भी होगा, यानी किसी भी कॉलेज में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति किसी स्टूडेंट को पावर दिया जाए कि मान लेते हैं कि ये सभी डिपार्टमेंट को कम्युनिकेट करेगा और ये इस डिपार्टमेंट का इस कार्य के लिए हेड है, तो एक मेथड एक ऐसा है कि आप प्रत्येक डिपार्टमेंट में जाइए और उसके बारे में बताइए। दूसरा मेथड है कि किसी असेंबली में एक जगह पर जहां सारे डिपार्टमेंट के लोग हैं वहां पर उसको बता दीजिए कि ये इस कार्य को देखेगा या इस तरह से। तो जब बहुत से डिपार्टमेंट्स हो और उस जगह पर किसी आदमी को इंट्रोड्यूस कर दिया जाए तो वो क्या होगा, वो सारे डिपार्टमेंट के लिए वैलिड हो जाता है। तो उसी तरह से यहाँ पर देखिए प्रोग्राम में क्या होता है, नंबर ऑफ फंक्शन होता है, फंक्शन 1, फंक्शन 2, फंक्शन 3, फंक्शन n। तो अगर कोई भी वेरिएबल्स को अगर हम लोग मेन के पहले डिक्लेयर करते हैं, यानी लिख देते हैं int a, इसका मतलब है int a, वो a जो है इंटीजर टाइप का वैल्यू है, ये सारे फंक्शन के लिए वैल्यूड हो जाएगा। जैसे क्या बोले, 10 डिपार्टमेंट है और उसके सामने अगर बोल दिए कि ये 15 अगस्त का हेड है, यानी 15 अगस्त जो फंक्शन ऑर्गेनाइज होगा उसका ये देखेगा ये विद्यार्थी, इसका मतलब है कि उस विद्यार्थी का वो 10 डिपार्टमेंट सारा बात मानेगा, यानी सारे के पास एक साथ इंफॉर्मेशन चला गया। तो लेकिन अगर उसको किसी एक क्लास में डिफाइन किया जाता, एक डिपार्टमेंट डिफाइन किया जाता तो वो दूसरे के लिए वैलिड नहीं होता, लेकिन जब एक जगह पर डिफाइन किया जाता है तो वो क्या होता है, सारे के लिए वैलिड हो जाता है। तो यही होता है लोकल और ग्लोबल। तो यहाँ पर अगर आप कोई भी वेरिएबल को डिफाइन करते हैं कहाँ पे, मेन के पहले अगर हम लोग डिफाइन करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, ग्लोबल डिक्लेरेशन होगा, यानी ऐसा फैसिलिटी प्रोवाइड किया है, ये स्ट्रक्चर में है आपका। और उसके बाद होता है मेन फंक्शन, यानी प्रोग्राम कभी भी जब कंपाइल करते हैं तो आपका यही से लाइन बाई लाइन एक्सिक्यूट करता है, यानी जब भी प्रोग्राम जो एक्सिक्यूट करता है वो मेन प्रोग्राम से लाइन बाई लाइन थ्रू होता है। इसमें दो पार्ट होता है, डिक्लेरेशन पार्ट होता है और दूसरा है आप लोग का एग्जीक्यूटेबल पार्ट। तो डिक्लेरेशन पार्ट और एग्जीक्यूटेबल पार्ट में क्या डिफरेंस है, किताबी भाषा तो आप पढ़ चुके हैं, आप समझ चुके हैं, अब हम आपको बताने जा रहे हैं जो जनरल लाइफ में होता है, जनरल भाषा में होता है, जो आपको किताब से लेना देना नहीं है। तो डिक्लेरेशन और एग्जीक्यूटेबल पार्ट, तो मान लेते हैं आप पिकनिक मनाने जा रहे हैं, पिकनिक एक प्रोग्राम है, तो पिकनिक जब मनाने जा रहे हैं तो पिकनिक जब मनाने जाइएगा तो आप खाना भी वहां बनाइएगा, तो खाना जो बनाइएगा जो होता है, देखिए यहाँ पर क्या कहता है, डिक्लेरेशन पार्ट का मतलब हो गया कि आपको वहां पर कितना बर्तन की आवश्यकता होगा, क्या क्या मटेरियल की आवश्यकता होगा, वो सारा शुरू में ही आपको परचेज कर लेना होगा। और सारा परचेज करके आप लोग क्या करते हैं, वहां पर चले जाते हैं, और चले जाते हैं तो जो रॉ मटेरियल्स हो गया वही आप लोग का एक तरह से क्या हो गया, डिक्लेरेशन, यानी
जब हम प्रोग्राम बनाएंगे तो क्या क्या चीज का आवश्यकता होगा, दैट इज द डिक्लेरेशन पार्ट, वो आपको पहले ही सोच लेना होगा। क्योंकि आप ध्यान दीजिएगा कि जब आप पिकनिक में जा रहे हैं तो आपको दाल का आवश्यकता होगा, चावल का आवश्यकता होगा, नमक का आवश्यकता होगा, अगर कुछ और बना रहे हैं तो वो आवश्यकता होगा, प्लस बर्तन की आवश्यकता होगा। तो यानी सारे पार्ट्स को क्या करते हैं, आप सोच समझ के पहले ही रख लेते हैं, और रखने के बाद जब वहां पर आप जाते हैं तो वो सारे बर्तन को निकालते हैं और फिर उसके बाद उसको बनाना शुरू करते हैं। तो दैट इज द एग्जीक्यूटेबल पार्ट। अब वहां पर अगर आप सारे ऑब्जेक्ट्स को नहीं लिए हैं तो 100% है कुछ ना कुछ घट जाएगा। तो वही होता है कि जब आप लोग को लगता होगा ना कि क्या क्या ले प्रोग्राम में, तो ये आपको सारा पहले सोचना होगा कि इस प्रोग्राम में क्या क्या यूज होगा, वो सारे को हम लोग पहले डिफाइन कर लेंगे। और उसके बाद जब आपको ये कंसेप्ट, जैसे आप पिकनिक मनाने जा रहे हैं तो कैसे सोचते हैं क्या क्या चीज आवश्यकता होगा, एक एक को सोच कर आप लोग पैक कर लेते ताकि कोई भी चीज नहीं घटे। तो उसी तरह से जब आप प्रोग्राम बनाइएगा ना, तो आपको सारा वेरिएबल्स क्या क्या, कितना वेरिएबल्स आवश्यकता होगा, वो किस तरह का होगा, मान लेते हैं कि किस तरह का होगा। देखिए आप वेरिएबल जब पढ़े होंगे तो आप लोग देखे होंगे इंट होता है, लॉग इंट होता है, डबल होता है, फ्लोट होता है। तो आप देखिएगा कि ये आप लोग का साइज अलग अलग होता है ना। जैसे मान लेते हैं कि आप चार आदमी पिकनिक मनाने जा रहे हैं तो इतना बड़ा कढ़ाई तो लेकर नहीं जाइएगा, उसके लिए क्या होगा, छोटा बर्तन होगा। लेकिन जब आप 10-20 आदमी के साथ जा रहे हैं तो उसके लिए क्या होगा, बड़ा होगा। तो ये आप कैसे डिसीजन लेते हैं, यानी नंबर ऑफ पर्संस को देखकर आप डिसीजन लेते हैं कि जो वहां पर हमारा बर्तन होगा छोटा होगा या बड़ा होगा। उसी तरह से यहाँ पर जो वेरिएबल्स हम लोग डिफाइन करते हैं, डिक्लेरेशन करते हैं ना, कि वो इंट होगा कि लॉन्ग इंट होगा कि डबल होगा कि फ्लोट होगा कि कैरेक्टर होगा, वो उसके नेचर के अनुसार हम लोग करते हैं। जैसा उसका नेचर होगा, यानी उस प्रोग्राम में जिस तरह का रिक्वायरमेंट होगा उस तरह का वेरिएबल हम लोग डिफाइन करते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये पार्ट हमारा क्लियर हो गया। अब इसी पार्ट में क्या होता है कि छोटा छोटा मॉड्यूल्स बना दिया जाता है। जैसे मान लेते हैं पिकनिक आप मनाने गए, आप प्रोग्रामिंग को छोड़ दीजिए, आप अपनी भाषा में समझिए, मान लेते हैं पिकनिक मनाने गए तो एक वहां पर आप लोग 2-3 ग्रुप में बढ़ जाते हैं। पहला क्या है कि जो आप लोग का मान लेते हैं कि सब्जी काटना शुरू कर दिया तो एक फंक्शन अलग हो गया, दूसरा हो गया कि बर्तन अपना वो जो आपका आग जलाना शुरू कर दिया, सेकेंड पार्ट हो गया, और तीसरा अगर कोई भी चीज रिक्वायरमेंट है वहां पर घट रहा है, अगर मार्केट से परचेज करने की आवश्यकता है तो एक ग्रुप परचेज करने के लिए चला गया। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि छोटा छोटा पार्ट्स में हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं ग्रुप को, अगर नंबर ऑफ पर्सन ज्यादा है तो। हाँ, ये भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर हमारा कितना फंक्शन का आवश्यकता होगा, 1 फंक्शन 2 फंक्शन 3 फंक्शन, तो आप वहां पर डिपेंड करता है ना कि उस प्रोग्राम में नंबर ऑफ पर्सन कितना है। हो सकता है एक भी फंक्शन का आवश्यकता जरूरत नहीं हो, अब 2 ही आदमी आप लोग पिकनिक मनाने गए हैं तो वहां पर कौन क्या करेगा, तो आप लोग साथ में वहां पर कोई भी फंक्शन की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन 50 आदमी गए हैं तो 50 आदमी का जब आप भोजन बनाना शुरू कीजिएगा तो वहां पर सब्जी भी ज्यादा होगा, बाकी सब सामान भी ज्यादा होगा, प्लस कुछ अगर परचेज करने का आवश्यकता हो जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ पर्सन बढ़ता है तो रिक्वायरमेंट भी बढ़ता है, कुछ अगर छूट गया है, तब वहां पर डिपेंड करता है कि आप लोग किस पार्ट्स में कितना पर्सन को ले रहे हैं, किस कितना ग्रुप में बांट रहे हैं, वो उस समय के सिचुएशन पे डिपेंड करता है। यानी बड़ा इवेंट्स होगा तो नंबर ऑफ फंक्शन ज्यादा होगा, उसी तरह यहाँ पर क्या है कि जब बड़ा प्रोग्राम होगा तो वो अलग अलग होगा। अब ये सारा यहीं पर होता है। मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारा बर्तन चढ़ गया, अब उसके बाद इसको हम बोले थे कि सब्जी बनाकर लाना, तो जब तक वहां पर से वो सब्जी बनाकर नहीं लाएगा तब तक इसका आगे एग्जीक्यूट नहीं होगा। यानी यहाँ पर क्या होता है, लाइन बाय लाइन अगर 4 फंक्शन है तो पहला यहाँ पर कॉल किया, उसके बाद इसका आंसर आएगा, तब ये नेक्स्ट लाइन में दूसरे को कॉल करेगा और नेक्स्ट लाइन में तीसरे को कॉल करेगा, यानी नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट्स के अनुसार। अब मान लेते हैं कि पत्थर लाने वाला है तो पत्थर लाने वाला क्या होगा, सबसे लास्ट में होगा, जब खाना खाने लगेगा तभी हो सकता होगा ना। तो उसी तरह से जब हम लोग यहाँ पर प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं तो उसमें नंबर ऑफ फंक्शन कितना होगा, कैसे कौन ऊपर होगा कौन नीचे होगा, आपको तो ये क्लियर हो गया। जब आप खाना बनाना शुरू कीजिएगा तो सबसे पहले आपको बर्तन की आवश्यकता होगी, सारे बर्तन, उसके बाद क्या होगा, मटेरियल की आवश्यकता होगी, और जब मटेरियल बाद होगा तो लास्ट में आपको परोसने की आवश्यकता होगी। तो उसी तरह से यहाँ पर क्या होता है कि कौन फंक्शन कहाँ होगा प्रोग्राम में,
वो जब आप लिखना शुरू कीजिएगा और जैसे जैसे आपको समझ में आ जाएगा ना, आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम्स नहीं होगा। तो यही आप लोग का क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज। जैसे मान लेते हैं कि एक सेट आपको कपड़ा दिया गया है, एक सेट कपड़ा में आप अगर बॉयज है तो शर्ट पैंट जूता मोजा सारा दे दिया गया, तो आपको समझ में आता है ना कि पहले जूता पहनना है कि पैंट पहनना है, और जूता अगर पहन लेते हैं तो पैंट क्या होगा, नहीं होगा, फिर से खोलना होगा। तो उसी तरह यहाँ पर होता है ना कि जब प्रोग्राम हम लिखते हैं तो लाइन बाय लाइन पहले क्या करना होगा, उसके बाद क्या करना होगा, उसके बाद क्या करना होगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज। अगर सी स्ट्रक्चर का आप जो डिटेल्स में समझ लेते हैं तो ये सारे जितना भी प्रोग्राम लिखेगा आप लोग का इतना ही यूज होगा। यानी जैसे हर प्रोग्राम में डेफिनेशन का यूज नहीं हो सकता है, फंक्शन नहीं यूज हो सकता है, लेकिन लिंक सेक्शन और मेन ये हर प्रोग्राम में आपका होगा ही होगा, तब जाकर आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा। तो यही है बेसिक स्ट्रक्चर। तो आप समझ में आ गया होगा कि अगर कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन होगा, फिर लिंक सेक्शन होगा, डेफिनेशन अगर रिक्वायरमेंट है तो डेफिनेशन सेक्शन होगा, अगर रिक्वायरमेंट है तो ग्लोबल डिक्लेरेशन होगा, नहीं तो मेन फंक्शन होगा जिसमें दो पार्ट्स होगा, डिक्लेरेशन और एग्जीक्यूटेबल्स। और इसी में हम लोग फंक्शन को यूज करते हैं और बाद में उसको डिफाइन करते हैं आउटसाइड। तो इस तरह से हम लोग किसी भी प्रोग्राम को लिख सकते हैं। तो प्रोग्राम 2 लाइन 10 लाइन का भी हो सकता है, 10,000 लाइन का भी हो सकता है, और 10,00,000 लाइन का भी हो सकता है। तो आप लोग का जितना नंबर ऑफ लाइन बढ़ेगा उतना ही ज्यादा फंक्शन और उतना ही ज्यादा मॉड्यूल में वो टूटता है, ताकि हम लोग आसानी से उसके एरर को फाइंड आउट कर सके और किसी भी तरह का प्रॉब्लम्स हो तो आसानी से हम लोग उसको सॉल्व कर सके। तो जैसे लेटर लिखते लिखते आपको प्रैक्टिस हो जाता है कि डू से स्टार्ट करते हैं, थैंक यू से लास्ट में एंड करते हैं, तो थैंकिंग यू से। तो उसी तरह से जब आप नंबर ऑफ प्रोग्राम्स लिखना शुरू कीजिएगा और प्रोग्राम का लाइन बाय लाइन समझना शुरू कर कीजिएगा तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम्स नहीं होगा कि स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज क्या है। जैसे आप कपड़ा पहनते हैं तो आपको दिक्कत होता है क्या, कौन कपड़ा पहले पहनना है कौन बाद में पहनना है, उसी तरह से जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा प्रोग्रामिंग का और पूर्ण रूपे, हाँ एक चीज है, अगर आप नहीं समझेंगे तो आपको इन फ्यूचर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा। तो अगर किसी भी तरह का सी प्रोग्रामिंग में अगर आपको प्रॉब्लम है कमेंट करके पूछिए, आपको हम आपकी भाषा में ही समझाएंगे, कोई किताबी भाषा नहीं समझाएंगे, क्योंकि जो भी प्रोग्रामिंग बनाया गया है वो हमारा रियल लाइफ को देखकर बनाया गया है कि मनुष्य के जीवन में ऐसा होता है तो कंप्यूटर में भी ऐसा होगा। तो इसी तरह से हम आपको अगर प्रॉब्लम होगा तो हेल्प करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए।